नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आजमगढ़ ब्लॉक सठियाओं ग्राम आवा व टोडरपुर में बरसात के पानी से खेत जलमग्न, घरों में घुसा पानी, कच्चे मकान धराशायी, प्रधान और प्रशासन ने नहीं ली सुध। आपको बताते चले, पूरा मामला जिले के ब्लॉक सठियाओं ग्राम अवाव टोडर पुरवा का है, जहां बरसात के दिनों में पूरे ग्राम सभा में पानी लग जाता है, जिससे कच्चे मकान धराशायी हो जाते हैं और मवेशियों के लिए चारे के लिए गांव वासियों को आने जाने के लिए पानी में घुसकर आना जाना पड़ता है। लोग प्लास्टिक की मड़ई डालकर किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। गाँव के रहने वाले वीर चंद राजभर, जो वर्तमान में उत्तरी दिल्ली में सहेलदेव समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, बताया कि जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से की, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। गांव वालों का कहना है कि मऊ जिले में 100 सेरवा के पास पुलिया के पास पानी को रोका गया है, जिससे नज़दीक में हाईवे का निर्माण होने से खेतों में ढलान होने से पानी रुक जाता है। पीड़ित अशोक राजभर, रमेश विश्वनाथ, दूधनाथ जयराम राजभर, सुरेंद्र जगरूप राजभर, राधेश्याम राजभर, रामलखन मोती, मूलचंद हरिकेश, फिरतु महेंद्र राजभर, हीरा राजभर, परदेसी से चन्न राजभर ने पत्रकारों के माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए कच्चे मकान की जगह पक्के मकान के लिए मुआवजे व जल जमाव से उत्पन्न हो रही समस्याओं के निदान की मांग की। इस मौके पर काफ़ी संख्या में पीड़ित ग्रामीण, महिला, पुरुष, बच्चे, सुहेलदेव समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राजभर, विधानसभा अध्यक्ष प्रमोद राजभर, सदर महिला मंच जिला अध्यक्ष गीतागिरी दिल्ली पश्चिमी जोन जिला अध्यक्ष बेचन राजभर आदि लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ सरफराज अहमद की रिपोर्ट। नाम है आपका? कमला। कौन सा गाँव है ये? थोड़ा सा। क्या मामला है यहाँ जो बारिश शुरू हो गया? क्या बारिश एकदम भैया, घर एकदम पस्त हो गया। हम उनके वाले का ठिकाना है, खेती बारी सब बह गया है। एकदम मन परेशान है भैया, पुनी पर लगा था मन, एकदम गोड़ धरे के जगह ना मिला था, बहुत दिक्कत में मन है। सरकारी सुविधा आपको आ? सरकारी सुविधा कुछ मिला है आपको? कुछ ना। कोई प्रशासन, कोई अधिकारी यहाँ आया? नहीं। आप लोग क्या चाहती हैं? कुछ ना। क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? सरकार से मदद चाहिए। हाँ, सरकार से मदद हम चाहते हैं कि हमको कुछ मदद कर दे, हमको रहने का कुछ व्यवस्था हो जाए भैया। चूल देखिए पानी में। जतवार जवाई। कौन सा गांव है? आओ। खाना कौन पड़ेला? हमारे को। क्या समस्या आज है जतवार? बहुत समस्या था, अब पानी बरखा बुन्नी से एकदम घर द्वार गिर गए न, चौवन खातिन, आदमी खातिन, खेती खातिन सब बर्बाद हो गए। कौनो साधन सुविधा यहाँ सरकार कब ना बनावल न, यही समय है। का चाहती आप? का सुविधा चाहिए सरकार से, हर चीज के आओ का चाहिए? व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था चाहिए, घर द्वार बनाओ के पैसा चाहिए, द्वार का खेती पैसा चाहिए तब छान से कोई और कौन। का नाम है बाबा? हमारा नाम त्रिभुवन है। कौन गांव पड़ी? आवाओ। और तहसील कौन है? आजमगढ़। आजमगढ़ का समस्या दादा तो लोगों के? समस्या तो ये हमारे बूढ़ा है सर जी, घर द्वार सब गिरत थे, हमने लापरवाही मती नहीं, यहाँ का प्रधान हम, यहाँ का नियम्बर हम, यहाँ का BTC हम, कोई आवला? कोई सुनवाइये ना है, आवा के सब बातिया अलग है साहब। तो DM साहब तक ये बात ना भी पहुँचा था क्या? DM साहब तो सपना में अगर देख लेंगे हम डूबत थे, वह देखले हुई है, नहीं तो गाँव के बाबू भैया पानी लग जाला, भगवान बरसल तो पूरा हिंदुस्तान का पानी यही ताले में आवत है। अच्छा, यही ताले में? हाँ। पानी निकासी का जगह ना हो का कहीं? जगह ना है तब ना परेशानी है। अच्छा, तो आप का चाहते हैं? चाहल जैसे कि पानी खुल जाए बांध। हाँ। हम हन के घर दुआर जब गिर गए तो उनके मुआवजा मिल जाए कि हम बना ले जाए, मुआवजे बना बना देखा अंगूरी कट गई है, देखा है हमन के कट कट गिर गए दबा गए, यहाँ तक चूल चाकी जो सब। सर क्या नाम है आपका? सर सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी उत्तरी जिला अध्यक्ष नॉर्थ दिल्ली बीरचंद राजभर जी। बीरचंद राजभर जी, आप जरा ये बताइए कि आपके गांव की क्या समस्या, आपने मीडिया से क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है सर कि मैं गांव का समस्या दे करके मैं मीडिया के थ्रू जो है अपनी आवाज़ को जो है बुलंद करना चाहता हूं प्रशासन को, कि सबको पता चले।
आपके गांव की क्या समस्या है? हमारे गांव का समस्या ये है कि यहां पर जो है कि बाढ़ बुढ़ आई हुई है, कोई अधिकारी कोई सोचना कोई आए नहीं देखने सुनने के लिए। आपके गांव का क्या नाम है? हमारे गांव का नाम है वहाँ टोडरपुर। तहसील? तहसील सदर। थाना? थाना जो है ममरकपुर। क्या आपके गांव के प्रधान कभी इस पर नज़र नहीं डाले? गांव के प्रधान जो है कि इस बारे में नज़र नहीं डाले। आपके गांव के प्रधान का क्या नाम है? मुन्ना सिंह। आप इस समस्याओं को लेकर क्या कभी जिला अधिकारी से मिले? नहीं, अभी तक इन समस्याओं को अधिकारी से नहीं मिले। इस बार जो है कि हमारी आवाज़ अधिकारी तक जा। आपके घरें जो हैं पानी की वजह से गिर जाती हैं, टूट जाती हैं, आखिर किस कारणों से ये पानी आपके घरों में लगता है? ऐसा है कि हमारे 2-4 किलोमीटर दूरी पर बांध है, वो बांध ना खोलने की वजह से जो है कि ये पानी रुक जाता है। ये बांध आजमगढ़ जिले में पड़ता है या किसी अन्य जिले में पड़ता है? नहीं, ये मऊ जिले में पड़ता है जी। तो अगर वो बांध खुल जाएगा तो ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? हाँ, यदि ये वो बांध खुल जाएगा तो ये हमारे यहाँ पानी जो है लगा हुआ है उतर जाएगा। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो बांध खोला जाए और पानी जो निकला जाए, लोगों को घरों में जो है वो घुसा पड़ा है पानी, वो खत्म हो जाए। ये लोग क्या समस्या? इधर देखा, और देखा, और बतावा। इधर देखा चाची, चाची समस्या बता। क्या समस्या है आपका? ये भैया पानी घर में आ गया, कपड़ा लत्ता कुल ही बहत बा, अनाज पानी कुल जवन रहे तवन सर पक गए। मारद है ये नाव, जेठ बेटा हवा इन तीन ठिलाई के लेके चार ठेल गए, वो भाग गए। जेठ बेटा ये मैं डाला, वो भाग गए। हम कहाँ जाए? क्या चाहती हैं आप लोग? सरकार की तरफ से क्या मुआवजा मिले, कुछ मिले, मदद मिले? जे मन साथ सोते हैं लिया, तवन कुछ कर लिया। बोला ना कहा सरकार की तरफ से भाई आवास मिला सोच।